31 अगस्त 2024 को गाजा के रफा शहर की एक सुरंग में 6 इजरायली बंधकों के शव बरामद हुए हैं और तब नेतन्याहू ने कहा था कि हमास ने इन बंधकों की हत्या की है। वहीं हमास ने नेतन्याहू पर पलटवार करते हुए कहा था कि इजरायली सेना की गोलीबारी में इन बंधकों की मौत हुई है। और इस घटना के बाद से ही पूरे इसराइल में बंधकों की रिहाई के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। कई लोग नेतन्याहू से मांग कर रहे हैं कि वो हमास के साथ जल्द से जल्द युद्ध विराम का समझौता करें जिससे सभी इजरायली बंधकों को वापस लौट सके। लेकिन अब इस कड़ी में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मई 2024 में हमास ने नेतन्याहू के पास एक शांति समझौता भेजा था जिसमें नेतन्याहू ने कई बदलाव करके इस प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन इन बदलावों के बाद ही इसराइल और हमास की बातचीत टूट गई थी और अब इसराइल की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को लेकर इसराइली न्यूज एजेंसी यदियोत एहरोनॉत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नेतन्याहू की बातचीत की रणनीति के कारण इसराइल को कम से कम 3 बंदियों की जान गंवानी पड़ी जिन्हें इस साल मई 2024 में फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के सौदे में छुड़ाया जा सकता था। नेतन्याहू की वार्ता टीम द्वारा मध्यस्थों को सौंपे गए दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है। दरअसल यदियोत एहरोनॉत न्यूज़पेपर में रोनन बर्गम ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें इसराइली अधिकारियों और बंधकों के परिवारों ने 6 बंधकों की मौत का जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया है। आपको बता दें कि नेतन्याहू के दफ्तर द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव को बर्गम ने एक खूनी कागजात की संज्ञान दी है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू द्वारा मध्यस्थों का सिलसिलेवार तरीके से हमास के लिए सौंपे गए कागजातों से ये जानकारी मिली है। इस वक्त हमास नेतन्याहू की ज्यादातर शर्तों पर राजी था जिसे देखकर इसराइल के दिग्गज अधिकारी हैरान रह गए और इसके बाद उन्होंने हमास से कई स्पष्टीकरण देने की मांग की जिसे हकीकत में बड़े बदलाव शामिल थे जिससे हमास और इसराइल के बीच समझौता असंभव हो गया। और इस दस्तावेज को लेकर एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने न्यूज एजेंसी यदियोत एहरोनॉत से कहा है कि कागजात 6 इजरायली बंधकों की हत्या के खून में डूबा हुआ था। हालांकि हमास के साथ बातचीत में हो रही देरी को लेकर भी सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों ने नेतन्याहू को चेतावनी दी थी और उसकी झलक 30 अगस्त 2024 को दिखाई दी जब IDF को 6 इजरायली बंधकों के शव मिले। आपको बता दें कि नेतन्याहू की टीम ने हमास के प्रस्ताव में बदलाव करके उसे वापस हमास को सौंपा था जिसकी अगुवाई मोसाद के प्रमुख डेविड बर्निया कर रहे थे और इस कागजात को जुलाई 2024 के आखिर में रोम और इटली में सौंपा गया था जिसे बाद में रोम टॉक के नाम से जाना गया। इसी के बाद हमास ने नेतन्याहू के ऊपर समझौते में देरी करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो मई 2024 में दिए गए प्रस्ताव पर ही सहमत होगा। आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि नेतन्याहू ने हमास को जो 8 पन्नों का प्रस्ताव भेजा था उसमें कई बदलाव किए गए थे, यहाँ तक कि बंधकों की रिहाई के नाम भी बदले गए थे और बदले प्रस्ताव में 4 ऐसे बंधकों के नाम थे जिनकी 1 महीने बाद हत्या कर दी गई थी। इसराइली अधिकारियों का आरोप है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर इस प्रस्ताव में ऐसे ऐसे बदलाव करवाए जिसकी वजह से हमास के साथ समझौता पूरी तरह से विफल हो जाए।